बज रहे हैं 9। बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं। ये यहाँ पे सो रहे हैं अभियान साहब, ईमान ये सो रही और शाजर ये। चले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की सुबह। ये बैलकनी जी बनी हुई है, सारा फॉग है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आगे सब बादल ही बादल है। बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि पापा ने तो इंट्रो दे दी है, अब मैं इंट्रो दे के क्या करूँगा। मैं अभी भी तैयार हुआ हूँ और मैं लग नहीं रहूँगा कि मैं उठाऊँगा, सच में इतना सोचा ऐसा लगता। तो मैं नीचे जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। मम्मा बाबा मम्मा नीचे ली गई, शाहजारी माँ नीचे गए, बस पापा ऊपर है। मैं आपको जब नाश्ते में मिलता हूँ। गाइस ये है डाइनिंग टेबल के एंट्रेंस जहाँ से हम लोग नाश्ता करेंगे। और खाने में देखते हैं अभी क्या है। ये पराठे हैं इसमें, और आगे वाली में अंडा ऑमलेट है, और इसके आगे वाली में क्या है, ये मुर्गी है, ये मेरे ख्याल से कढ़ाई है कुछ, है सालन टाइप है ये, एक मुझे नहीं होता। और ये है छोले जो कि ईमान को चाहिए, मैं देता हूँ। फिर यहाँ पे लास्ट एक नॉट डलीस ये है, आप समझ जाइए क्या है, आलू की तरकारी। और फिर यहाँ पे कुछ जूसेस हैं और दूध है, जूस है, ये देखिए आप लोग। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब बस चेकआउट करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं। बट हम लोग का प्लान था कि आज हम लोग मर ही जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने पापा को कहा कि हम लोग आज जाएंगे दी वन एंड ओनली इस्लामाबाद। तो गाइस ये जा रहा हमारा सारी की हमारे गाइस, ये देखें सुबह 10 बजे ही यहाँ पे पूरा फॉग होना शुरू हो गया, धुआं धुआं होना शुरू हो गया, सही है। और हमारी गाड़ी भी निकल गई, क्योंकि हम लोगों ने चेकआउट भी कर लिया है, और आज हम लोग निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। तो गाइस अभी हम लोग भूवन से निकल चुके हैं इस्लामाबाद के लिए। हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए इस्लामाबाद, और बाबा उस वक्त ट्रैक दिख रहे थे कौन सा होटल, अभी आपको होटल का नाम दिखा दो। ये है इसका नाम, और ये इसकी एंट्रेंस ब्रेकिंग कर लिए, यहाँ से अंदर जाना है। बाबा बोले तो गाइस ये आया है यहाँ पे, हमारे लिए वेलकम ड्रिंक दी है हम लोगों ने। कैसी है ईमान की तरह, अच्छी नहीं है इसका मतलब। देखो आया है अपने ही रूम में जाने के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ से आपको आते के साथ ही ये वॉशरूम नजर आता है, उसके बाद आप यहाँ से आते हैं हीरी कबर्ड, यहाँ पर आते हैं ये केबल हो गई, ये हो गया टीवी हो गया, ये यारी केबल भी हो गई, ये भी हो गया, बेड्स हो गए, मैं तो नीचे सोऊंगा हमेशा। और ये देखें यहाँ से पूरा व्यू आएगा बाहर का। तो गाइस अभी हमें 5 बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं, मुझे टाइम पता नहीं चला। और अभी हम लोग जाने वाले हैं एक जगह पे, आने वाले आपके लिए सरप्राइज होगा, वो आपको कमेंट्स में लिख दो। इस्लामाबाद के अंदर यहाँ से थोड़ी सी दूर है, बस थोड़ी सी दूर है, और लिफ्ट में आ चुके हैं, और मेरे पास 60 रुपीज़ ही अपने लिए चिप्स लेने आ रहा हूँ। अब तक निकल जाओ, मैं अपने लिए बोल लूँगा सारे फ्री। हाँ सही है, देखो फिर हम वहां से ना निकलेंगे, और आपको जिस जगह हम जाने आए हैं ना वो है सरप्राइज है, कमेंट से बताना चलो। इस्लामाबाद में रहते ना, या वो यहाँ से 38 किलोमीटर दूर है, 38 मिनट्स दूर है। रह चुका है।
और ऊपर जाए जा रहे हैं। एक इस्लामाबाद में एक जगह है जिसका नाम है जैनो वैली। श्री जैनो वैली स्टार्ट्स हियर। हम लोग जैनो वैली पहुंच चुके हैं। मोबाइल मेरे पास गाइस वो देखो, अभी हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे अपने एरिया के अंदर। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। गाइस ये है उसका एंट्रेंस एरिया, मतलब यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे अपने लिए। सीरी 5 टिकट्स एक ही पर्ची में दे दी उन लोगों ने हमें। तो गाइस ये है इसकी एंट्रेंस स्टेयर से, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं और हम लोग देखे, हम लोगों ने गाड़ी वहाँ पार्किंग पे खड़ी की है, तभी हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं। ये रहा पहला राइड वोडा सब कुछ, लेकिन हमें यहाँ से ऊपर जाना है। आज कितना ऊपर जाना है बाबा, यहाँ से कहाँ जाना है? वहाँ से निकल के ऊपर आ सकते हैं, यहाँ से ऊपर आ सकते हैं भाई, यहाँ से चलते हैं आगे। ये इस्लामाबाद डायनो वैली है और एक्सट्रीम क्राउड है। आज संडे है मेरा ख्याल, इसी वजह से तो एक्सट्रीम क्राउड है, मतलब बैठने उठने तक की जगह नहीं है कि कहाँ बैठेंगे आप, कहाँ चलेंगे। जो बेसिकली डायनो वैली का एक कॉन्सेप्ट था हमारे जहन में ना, वो तो समझ ही नहीं आ रहा कि जो भी आर्टिफिशियल एनिमल्स बने हुए होंगे वो कहाँ हैं, क्या है। यहाँ तो सिर्फ क्राउड है, क्या कहा जाए पता ही नहीं, तो समझ नहीं आ रहा। ये तो एक प्लेलैंड एरिया बना हुआ, बिल्कुल जैसे आप लेक व्यू पार्क वगैरह चले जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा एक्सट्रीम क्राउड है। तो गाइस पहले तो यहाँ पर एंट्री की हमने 200 पर पर्सन एंट्री टिकट दिया है, और फिर ये डायनो वैली, ये जो मेन डायनो वैली है इसके लिए 800 पर पर्सन के हिसाब से अलग चार्जेज है यहाँ की एंट्री के लिए, और राइड्स वगैरह के लिए फिर वो अलग होगा डेफिनेटली। तो अब देखते हैं क्या रहता है सीन इसका। बाबा अब भी आ जाइए। तो बेसिकली डायनो वैली के अंदर आने तक तो डायनो वैली के अंदर आने तक जो है तकरीबन आपको 1000 पर पर्सन चाहिए। 200 रुपये नीचे से टिकट की एंट्री है, और फिर उसका डायनो वैली के लिए स्पेशल टिकट जो होगा वो 800 रुपये पर हेड होगा। सिर्फ 2 साल तक के बच्चे फ्री हैं। बात करो।
यहाँ का एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन नो डाउट बनावा बहुत अच्छा है, सफाई सुथराई है और अलग यूनिक सा थोड़ा सा बना हुआ है ना ये, तो इस वजह से यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया जैसा कि हम सोच रहे थे। लेकिन यही बात है कि बनावा थोड़ा सा अलग है बिल्कुल ये। अच्छा गाइस, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, सिर्फ डायनासोर की आवाज़ ही सुनी हम लोगों ने, इतना मज़ा नहीं आया। ये एक शटल सर्विस है, जाना तो आपको पैदल खुद ही होता है इस साइड से, ये साइड यहाँ से ना आप टिकट दिखा के यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर वो जिग जैग होते हुए ऐसे, फिर ऐसे काफ़ी ऊपर तक चले जाते हैं, लेकिन वो वहाँ एंड साइड के ऊपर ना वहाँ से आपको शटल सर्विस मिलती है, तो वहाँ से गाड़ियाँ बैठ के यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन हमने उसका वेट नहीं किया, क्योंकि जितनी देर में शटल हमें यहाँ छोड़ती उससे पहले क्या, उससे काफ़ी पहले हम यहाँ खुद ही आ जाते हैं। 5 मिनट की पैदल वॉक है जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, आप अभी भी रश का आलम देख सकते हैं कि लोग आ ही रहे हैं, अभी भी पार्किंग की जगह तो है ही नहीं। हम थोड़ा जल्दी आ गए थे तो हमें थोड़ा करीब मिल गई थी पार्किंग। तो गाइस अभी मैं थक गया था तो बाबा की पट्टी ही बैठ चुका हूँ, इतना दूर गाड़ी खड़ी है, बाकी सब नीचे जा रहे हैं और मुझे तो मज़ा आ रहा है। सो गाइस हम लोग यहाँ नैंडोस में आ चुके हैं, हम सबका प्लान था कि बाबा मेरा और ईमान का कि हम लोग बर्गर खाएंगे, लेकिन फिर मम्मा ने बोला नहीं, हम लोगों ने सोचा कल खाएंगे बर्गर ना, तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। इधर क्यों और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, तो बाबा मम्मा ऊपर गए हैं, मैं व्लॉग करने आया था नीचे, ये देखें ये देखें, सबको देखें, यहाँ मेन्यू देखें। तो गाइस दिन बहुत गर्म था और रात में अचानक से बारिश हुई, हम लोग अंदर खाना खा रहे थे और मम्मा बाबा मम्मा शाहगढ़ गाड़ी खा रहे थे और ये पूरी नहा चुकी है, आप देखिए मैं तो बेवकूफी की थी, मैं अम्ब्रेला लेकर आ रहा हूँ पर अम्ब्रेला लेकर ऊपर लेकर नहीं आ रहा, फुल ऑन बारिश हो रही है गाइस, काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ये देखिए कैसा वेदर हो चुका है, बिजली भी कड़क रही ऊपर से, ये देखिए आप लोगों ने भी देखा था। दो गाइस पहुंच गया मैं गाड़ी के अंदर, रोड क्रॉस करके आया हूँ, डायरेक्ट पैडल में रखेगा पैर बिना, सही है, और बस मैं अंदर जा रहा हूँ, जगह दो भाई